बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैथ डॉट क्लाउड में खुश आमदीद कहता हूँ। आज स्पेशल फंक्शन का लेक्चर 7 पार्ट 2 है और ये गामा फंक्शन से रिलेटेड है। और इस लेक्चर में हम ये आइडेंटिटी जो है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स के डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट पाए डिवाइडेड बाई 2, इसे प्रूव करेंगे। इस आइडेंटिटी को हम पहले भी हम इसकी वैल्यू यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू एवैल्यूएट कर चुके हैं, जो कि अंडर रूट पाई ओवर 2 आई थी एक प्रीवियस लेक्चर में। हम तो यहाँ पे हम डिफरेंट अप्रोच के साथ इसे प्रूफ करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे प्रूफ होगी। यहाँ से हम लेट लेंगे, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी स्केयर डी टी। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन ये करेंगे कि हम पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू एक्स वाई, तो हमारे पास डी टी क्या हो जाएगा, डी टी हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे हमने y को कांस्टेंट कंसीडर करना है और x का डिफरेंशियल लेना है। y इज इक्वल टू डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब लिमिट हम देखते हैं क्या चेंजिंग आएगी लिमिट में। लिमिट में जब हम x इज इक्वल टू, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x 0 पुट करेंगे यहाँ पे हमारे पास t है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, t 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x 0 आ जाएगा। व्हेन t इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। इस केस में हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस x स्केयर y स्केयर y dx। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे विद 2e रेज टू पावर माइनस y स्केयर से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस y स्केयर, तो हमारे पास I इज इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर माइनस वाई स्केयर इंटू आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई स्केयर, और जो 2 है वो हम y के साथ लिख लेंगे 2y dx। अब हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस वाई स्केयर, पावर ऐड होंगी, बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी। जब पावर ऐड होंगी तो माइनस वाई स्केयर हम कॉमन लेंगे, तो हमारे पास माइनस वाई स्केयर इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर 2y डी एक्स आ जाएगा। अब हमने इंटीग्रेट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, y के लिहाज से हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2i इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस y स्केयर डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और अंदर हमारे पास ये इंटीग्रल आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस वाई स्केयर 1 प्लस एक्स स्केयर 2y डी एक्स और होल डी वाई, क्योंकि हमने वाई के लिहाज से इंटीग्रेट किया है।
अब हमारे पास हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे। जब हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे तो इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, फिर हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस वाई स्केयर वन प्लस एक्स स्केयर टू वाई डी वाई को हम अंदर ले आएंगे और डी एक्स को बाई ले जाएंगे। ये हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया। अब हमने ये जो इनसाइड इंटीग्रल है इसको हम अलग से एवेल्युएट करेंगे। इसको हम टू कह देते हैं। कंसिडर आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस वाई स्केयर इन टू वन प्लस एक्स स्केयर टू वाई डी वाई। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पुट यू इज इक्वल टू माइनस वाई स्केयर यू इज इक्वल टू वाई स्केयर वन प्लस एक्स स्केयर। डिफरेंशियल लेंगे डी यू इक्वल हो जाएगा टू वाई वन प्लस एक्स स्केयर को, एक्स को एक्चुअली यहाँ हमने कांस्टेंट कंसीडर किया है तो टू वाई डी वाई हो जाएगा हमारे पास। तो डी यू डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्केयर टू वाई डी वाई। ये हमारे पास टू वाई डी वाई था तो इसीलिए हमने टू वाई डी वाई को अलग कर लिया यहाँ पे। अब व्हेन वाई इज इक्वल टू जीरो देन यू इज इक्वल टू, अगर वाई जीरो हो तो यू भी जीरो हो जाएगा। व्हेन वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन y इन्फिनिटी हो u भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन से ये चेंजिंग आएंगी। अब हम ये पुट कर देंगे i1 में तो i1 हमारे पास हो जाएगा i1 इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं आई, ई रेज टू पावर माइनस और इसकी जगह यू, टू वाई डी वाई की जगह हमारे पास डी यू और वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वन प्लस एक्स स्क्वायर को हम वाई ले आएंगे और हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस यू डी यू विच इज इक्वल टू वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ई रेज टू पावर माइनस यू लिमिट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, क्योंकि ई रेज टू पावर माइनस यू का एंटी डेरिवेटिव माइनस ई रेज टू पावर माइनस यू होता है। अब हम लिमिट पुट करेंगे वन प्लस एक्स स्केयर, बल्कि पहले हम एक स्टेप इस तरह लिख लेते हैं वन ओवर ई रेज टू पावर यू डिनोमिनेटर में ले आए, लिमिट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ये माइनस साइन में बाय ले आता हूँ वन ओवर वन प्लस एक्स स्केयर। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, जब हम यहाँ यू की जगह अपर लिमिट अप्लाई करेंगे ई रेज टू पावर इन्फिनिटी आएगा, वन ओवर इन्फिनिटी हमारे पास जीरो हो जाएगा। जब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे ई रेज टू पावर जीरो वन हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर वन ओवर वन वन आ जाएगा। अब जीरो माइनस वन हमारे पास वन हो जाएगा, माइनस वन और माइनस ये हमारे पास आई वन आ जाएगा वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम इंटीग्रल में पुट करेंगे इक्वेशन टू में तो हमारे पास इक्वेशन टू फंक्शन ऑफ एक्स में आ जाएगी। टू इम्प्लाइज टू आई इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस वाई स्केयर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, और हमने ये अभी इंटीग्रल कैलकुलेट किया है
इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 1 over 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब 1 over 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम जानते हैं ये टेन इनवर्स, इसका एंटी डेरिवेटिव है, लिमिट फ्रॉम 0 to infinity। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे टेन इनवर्स इन्फिनिटी, ये पाई बाय 2 होता है हमारे पास, माइनस टेन इनवर्स 0, ये 0 होता है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा पाई बाय 2। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें हमारे पास 2 मौजूद है, इसे हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ के डिवाइड होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। आई इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब वाई डमी वेरिएबल था जो हमने जब शुरू में फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन की थी, हम डमी वेरिएबल को चेंज करेंगे अपने ओरिजिनल वेरिएबल टी में, तो हमारे पास आई इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity ई रेज टू पावर माइनस टी स्केयर डी टी इज इक्वल टू पाई बाय 4, और ये हमें पता है ये आई के इक्वल है ये इक्वेशन 1 में, तो आई इंटू आई इज इक्वल टू पाई बाय 4, आई स्केयर इज इक्वल टू पाई बाय 4, स्केयर रूट लेंगे जब हम, विच इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू अंडर रूट पाई ओवर 2, तो हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity ई रेज टू पावर माइनस टी स्केयर डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट पाई ओवर 2, जिसे हम एक्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट पाई ओवर 2। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रूफ पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।